नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जहां समूचे भारत में कोरोना कहर के प्रकोप से बचने के लिए आम लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं सुदूर गांव देहात के लोग भी इसके संक्रमण से बचने के लिए एड़ी चोटी एक कर रहे हैं। कोरोना इफेक्ट के प्रति सक्रियता दिखाते हुए बेगूसराय एवं समस्तीपुर सीमा पर बसे गाँव रसीदपुर में प्रदेश से लौटे 18 लोग को गाँव में प्रवेश से रोक दिया गया। ये वाकया उस समय हुआ जब मंगलवार की देर रात कलकत्ता से लौटे 18 लोगों से भरा ट्रक गांव की चौक पर रुका। आसपास बचे सजग ग्रामीणों के कान खड़े हो गए। कुछ लोग जब बाहर निकलकर देखा तो बहुत सारे परदेशी लौट रहे थे। परदेशियों को वहां रुकने के लिए कहा गया। इस पर पहले तो कुछ देर तक परदेशियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी चलती रही और इन्हीं कहासुनी के शोर शराबे को सुनकर अन्य ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए और गाँव में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों को संदिग्ध परदेशियों के आने की सूचना दी गई, मगर अधिकारियों ने सुबह होने पर जांच पड़ताल के बाद कहकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके बाद ग्रामीणों ने हार नहीं मानी। संक्रमण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए कुल 18 परदेशियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर पर रहन सहन व भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि संदिग्ध परिस्थितियों में परदेशियों के लिए प्रशासनिक तौर पर प्रखंड मुख्यालय स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय नारेपुर को आइसोलेशन सेंटर के रूप में स्थापित किया गया है, मगर ग्रामीणों के सहायता में स्वस्थापित आइसोलेशन सेंटर के आगे प्रशासनिक तैयारी फीका साबित हो रही है। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं बेगूसराय से हमारे रिपोर्टर राकेश यादव की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्या कल से क्या समस्या हुई है इस इन लोग के बीच? सर, समस्या ये है जो ये लोग कलकत्ता से आए हुए किसी तरह अपना जूझते हुए अब ये पंचायत में आए। ये ग्रामीण है हम लोगों के और इन लोगों को 4 बजे भोर से हम लोग देखते हुए रह गए और इनको व्यवस्था के लिए सभी सरकारी कर्मी से बात किया गया। वो कह रहे हैं कि आधा घंटा पौन घंटा में जा रहे हैं कर्मी, आप लोगों की व्यवस्था किया जाएगा। लास्ट में NH 28 पर से हम लोग व्यवस्था करवा कर यहां जो है सो ये सरकारी उत्क्रमित विद्यालय में इन लोगों को शिफ्ट किया गया। इनको ना खाना पानी ना रहने की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ। जो भी पदाधिकारी से हम लोग बात करते हैं वो पदाधिकारी कहते हैं जो मुखिया जी के यहाँ जाएंगे, अभी मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो है मुखिया जी जो करना होगा करेंगे। तो सरकारी कर्मी को हम देख ही नहीं रहे हैं। हम ग्रामीण लोग यहाँ त्राई माम कर रहे हैं। जिनका बेटा है वह बाप जो है सो खड़ा होकर कहता है कि मैं अपना बेटा को नहीं अभी रखेंगे घर में। ये समस्या हम लोगों के गाँव में भी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। ग्रामीण है नाम जी। आप लोग कहाँ से आए हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से रात भर ट्रक रहे और सुबह में ग्रामीण सब लेकर स्कूल पर आया। स्कूल पर कुछ व्यवस्था नहीं है, ऐसे हम लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। ग्रामीण सब आपको घर जाने से रोक रहा है? हाँ, ग्रामीण सब घर जाने से रोका। अब हम स्कूल पर बैठे हुए, यहाँ कोई ना डॉक्टर ना कुछ खाने पीने का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर, हम कलकत्ता से आए हैं और मैं 24 तारीख को निकला हूँ कलकत्ता से और 25 को रात में यहाँ ही निकला हूँ। रात करीब 11 बजे और 11 बजे के बाद गांव के लोग सब हमको गांव में प्रवेश करने नहीं देते और रात भर हम गाड़ी पर सोए हैं और सुबह में स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया है ग्रामीण द्वारा और यहाँ कोई उपचार नहीं हो रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है, कुछ आप लोग बीमारी से ग्रसित हैं या वैसा कुछ लक्षण लग रहा है? ग्रसित रहे चाहे ना रहे लेकिन चेकअप होना जरूरी है। चेकअप करने के लिए कोई नहीं आया है? नहीं है। क्या नाम है आपका? राम सेवक महतो। घर कहाँ हुआ? रसीदपुर। बरंडा में हम लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप महतो।